पिछले 1-1.5 वीक से मैं थोड़ा सा गायब था, तो जो कम्युनिटी टैब को फॉलो करते हैं चैनल के उनको तो आइडिया होगा कि क्या हुआ था, लेकिन जो नहीं करते उनको नहीं आइडिया होगा। तो मैं आज थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ी सी स्टोरी है कि क्या हुआ, और थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, मुझे भी गुस्सा आया था, तो आप एंड तक सुने, आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो हुआ ये कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी ना पाथ ऑफ डूम वाली एपिसोड 1, तो उसके बाद जब मैं दूसरी की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें अचानक से जो डिस्प्ले था ना मॉनिटर का वो ऑफ हो गया। मैंने कहा शायद वैसे कोई इशू होगा, मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया और मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो अभी आधी रिकॉर्डिंग हुई थी, यानी कि 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी, तो डिस्प्ले दोबारा ऑफ हो गया। मुझे लगा शायद वीजीए वगैरह का कोई इशू है, तो मैंने कंप्यूटर को ऑफ किया, मैंने वीजीए को उतारा, वीजीए को दोबारा थोड़ा सा साफ सूफ करके दोबारा मॉनिटर में भी लगाया और जो है वो कंप्यूटर में भी लगाया। अब मैं दोबारा आके बैठा ना तो दिल नहीं किया मेरा रिकॉर्डिंग का, तो मैंने छोड़ दी। आधा घंटा, मैंने पौना घंटा तकरीबन जो है वो कंप्यूटर को यूज़ किया, उसके बाद मैं बंद करके सोने को चला गया क्योंकि रात का टाइम था। तो जब मैं सुबह उठ के दोबारा उसको चलाया दोपहर के टाइम, तो आधे पौने घंटे बाद दोबारा उसका डिस्प्ले ऑफ हो गया। मुझे तब लगा कि यार कुछ ना कुछ तो मसला है, तो मैंने डिफरेंट जो है ना पाकिस्तान के जो डिफरेंट गेमिंग ग्रुप हैं उनमें पोस्ट की, फिर उसके अलावा अपना जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी पोस्ट की। तो मोस्टली लोगों का यही कहना था कि इसका जो मदरबोर्ड है वो ज़ाया होने वाला है, आपको नया कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में भी यही बात थी कि यार हाँ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट की। मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा फिर मैं गया एक बंदे के पास लेकर, वो बड़े अरसे से दुकान चला रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो उसके पास लेके गया, उसने चेक किया, उसके पास मैं भी बैठा रहा और डिस्प्ले वहाँ पर भी ऑफ होता रहा तकरीबन आधे घंटे बाद, कभी 20 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद ऑफ हो जाता था डिस्प्ले। खैर उसके बाद मैं उस कंप्यूटर को उसके पास छोड़ाया, मैंने कहा तसल्ली से चेक कर लो, उसका बड़ा भाई भी इसी काम को करता है, तो मैंने कहा उसको भी चेक करवा लो। उसने कहा मैं ठीक है चेक करवा लूँगा। तो वो जी चेक किया उसने, उसने अगले दिन मुझे बताया कि इसका जो बोर्ड है ना उसका मसला है, इसकी कोई आईसी वगैरह ख़राब है और आपका जो है वो पूरा नया बोर्ड पड़ेगा। अब मैं परेशान कि बोर्ड के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसने बताया कि 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। और उसकी रैम्स वगैरह जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी और बोर्ड को भी हार लगा ना तो लगता था कि बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया है। खैर मुझे अब डर था कि मेरी जो है ना मशीन वो थोड़ी सी पुरानी है, ज़ियोन की मशीन है XW8600, लेकिन मैं उसको 2 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, बड़ा मज़ा आया था उसको यूज़ करने का और बड़ी अच्छी मशीन है, लेकिन मुझे डर था कहीं मैं बोर्ड भी चेंज करवा लूँ और फिर भी मसला ठीक ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रुप्स वगैरह में पूछा और कम्युनिटी टैब में पूछा, तो लोगों ने कहा कि यार ये मसला हल नहीं होने वाला, आपको नया कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो मैंने कुछ दोस्त से ना पैसे पकड़े और मैंने यार कंप्यूटर ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कंप्यूटर ढूंढा, i5 4th generation मिला मुझे, मैंने वो ख़रीद लिया। वो ख़रीद कर मैं घर लेकर आया और पुराना सामान निकाल कर मैंने अपने उस कंप्यूटर में डाला और दोबारा जो है वो ऑन किया नए कंप्यूटर को। नया कंप्यूटर ऑन हुआ, चला, आधे घंटे बाद फिर उसका डिस्प्ले ऑफ। मैं कह ले ये क्या, ये तो फिर हैंड हो गया, मैं नया कंप्यूटर भी ले आया हूँ और इसके साथ भी वही मसला। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार ये तो कहीं ग्राफिक कार्ड का मसला तो नहीं था, मैं ऐसी बोर्ड का मसला और बाकी सारे मसले समझ के बैठा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ग्राफिक कार्ड निकाला, एक दोस्त के घर गया, दोस्त के घर पे जो है वो अपना ग्राफिक कार्ड उसे दिया और उसका ग्राफिक कार्ड लेकर अपने पास आया। अपने पास आकर मैंने उसका ग्राफिक कार्ड लगाया और उसको मैंने कहा कि यार तू थोड़ी देर मेरा यूज़ कर, मैं एक दिन तेरा यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, उसकी आधे घंटे बाद ही कॉल आ गई, ओए तेरे ग्राफिक कार्ड की वजह से मेरा तो कंप्यूटर ही ऑफ हो गया। मुझे तब समझ आई कि मसला ही सारा ग्राफिक कार्ड का था। तो तब मुझे बड़ा गुस्सा भी आया एक किस्म का और हंसी भी आ रही थी अपने आप पर कि यार ग्राफिक कार्ड वाली बात ना मेरे जहन में आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। मैं सोच रहा था कि शायद कंप्यूटर को ही हैंड हो गया। तो अब जो पहले मेरे पास एक भी कंप्यूटर नहीं बच रहा था, अब मेरे पास 2 हो चुके हैं, एक जो नया i5 और एक जो पुराना ज़ियोन। तो ये वक्री हैंड चल गया मेरे साथ। खैर अभी मैंने जो है वो दोस्त का जो ग्राफिक कार्ड वही यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले अपडेट दे दूँ, फिर उसके बाद ग्राफिक कार्ड ढूंढूंगा अच्छा सा बजट में, तो फिर नई वीडियो जो है वो सिलसिला उसका दोबारा शुरू करेंगे।